पिछले 10 साल से खौफ खाते हैं कि अगर देश के दिल में ये नारा बैठ गया है, हाँ, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, ये ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए नहीं बुना गया कि कोई बेईमानी हो गई है, ये ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए बुना गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी चाय के ढाबे पे भी रुके हुए 10 लोगों से बात करोगे कि केजरीवाल कौन है जानते हो, बोले यार वो दिल्ली में काम बड़ा शानदार कर रहा है और काम तो कर ही रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। केजरीवाल जी का नाम आज ईमानदारी का प्रतीक बन गया पूरे देश में और भारतीय जनता पार्टी इतनी अपने आप को कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक राज्य में एक उदाहरण नहीं पेश कर पाई कि उस राज्य में काम ईमानदारी से हो रहा है और काम हो रहा है। उस छवि को बिगाड़ने के लिए ये सारा षड्यंत्र सारे कुचक रचे जा रहे हैं, उस अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की छवि को बिगाड़ने के लिए। लेकिन जनता जानती है, जनता के दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। आप जेल के दरवाजे बंद कर सकते हो लेकिन जनता के दिल के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। जनता के दिलों में आज भी वही नारा गूंज रहा है पिछले 10 साल से, बताइए क्या, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। और जिनका जिक्र अभी संजय भाई ने किया कि इधर उधर जितने भ्रष्टाचारी थे सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी बना ली और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी कर ली, उनको भी कहना चाहता हूं कि आपका काल अभी जेल में है लेकिन ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाओगे, आपका काल बाहर आएगा। 17 महीने, 17 महीने इन आंसुओं ने मुझे ताकत दी है 17 महीने जेल में। मैं जब राजघाट पे आपसे बात करके गया था तो कह के गया था शायद 7-8 महीने लगेंगे, मुझे उम्मीद थी कि 7-8 महीने में न्याय मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए, 17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है, भगवान के घर पे देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। इनकी तो बड़ी कोशिशें करी इन्होंने, संजय भाई के ऊपर, मेरे ऊपर, अरविंद जी के ऊपर, पार्टी के और नेताओं के ऊपर, देश के सख्त से सख्त कानूनों की सख्त से सख्त धाराएं लगा के इनको बंद कर दो झूठे सच्चे केस में, और ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती हैं, ऐसी ऐसी कानूनों की धाराएं लगा दो जो दुनिया में ड्रग माफिया के ऊपर लगाई जाती हैं, ऐसी ऐसी धाराएं लगा के इन्होंने सोचा इनको जेल में बंद कर दो तो जैसे आतंकवादी को जेल में डाल देते हैं तो सड़ता रहता है, जैसे ड्रग माफिया को जेल में डालते हैं तो दुनिया में सड़ता रहता है, इन्हें लगा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जेल में डालेंगे तो सड़ जाएंगे। लेकिन आपके आंसुओं की कीमत है ये, आपके आंसुओं की ताकत है ये कि जेल के ताले भी पिघल जाते हैं। एक ही चीज कहूंगा, कल सुबह मैं बैठा था कि सारी दुनिया की सारी बुरी ताकतें भी इकट्ठी हो जाए ना तो जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसका साथ भगवान देता है, उसका साथ भगवान जरूर देता है। और ये आज बजरंगबली की कृपा है कि 17 महीने बाद सही लेकिन मैं आपके बीच हूं। और अभी गया मैं बजरंगबली के मंदिर में, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, वहां जो पंडित जी मौजूद होते हैं वही बजरंगबली जी के वाणी बोल रहे होते हैं, उन्होंने बजरंगबली जी की वाणी से आशीर्वाद दिया कि विजयी भव, सफल भव। मैंने कहा जी एक ही सफलता का मंत्र है, दिल्ली के एक एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल बना के देने हैं, यही हमारी सफलता है। और इसके लिए मैं कल से कह रहा था अपने साथियों से, हम तो रथ के घोड़े हैं, हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है, वो भी बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद हमको तो जहां हकेंगे हम हकेंगे,
लेकिन हमारा असली सारथी भी जेल में बंद है और जेल के ताले टूटेंगे बहुत जल्दी, छूट के आ जाएंगे। बहुत कृपा है अरविंद जी के ऊपर बजरंग बली की, आपको याद है ना, लंबे समय से बहुत सारे लोग साथ हैं। कितने कितने शुगर का पेशेंट होने के बावजूद कितना लंबा लंबा फास्ट किया, केवल बजरंग बली जी की कृपा से। तमाम तरह के आरोप, इतने इतने आरोप लगाए, झूठे झूठे, बच गए, निकल के आ गए केवल अरविंद जी, बजरंग बली जी की कृपा से। और मैं समझता हूं भगवान की कृपा, बजरंग बली जी की कृपा हम पर कल हुई बाबा साहब के दिए हुए संविधान की बदौलत। बाबा साहब ने जब ये मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, पढ़ रहा था, पूरी डिटेल ले रहा था वकील साहबों से। बाबा साहब ने 75 साल पहले, करीब 75 साल पहले अंदाजा लगा लिया था कि कभी कभी ऐसा भी होगा, हम लोकतंत्र का संविधान बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस देश में तानाशाही ताकतें आके आतंकवादियों, ड्रग माफियाओं पर लगाए जाने वाले कानून को आम आदमी के ऊपर लगाएंगे, व्यापारियों के ऊपर लगाएंगे, विपक्षियों के ऊपर लगाएंगे, तो उस वक्त उन व्यापारियों को, उन आम आदमियों को, उन विपक्षियों को कौन बचाएगा? तो बाबा साहब ने पहले ही लाइन जोड़ दी थी, संविधान बचाएगा। यही भगवान की कृपा है। कौन बचाएगा उनको जब तानाशाह सरकार अपना जुल्म करेगी, एजेंसियों का दुरुपयोग, कानूनों का दुरुपयोग करेगी, जेलों का दुरुपयोग करेगी, तो कौन बचाएगा? 75 साल पहले उस महान शख्सियत ने लिख दिया था कि मैं ऐसा संविधान दे रहा हूं कि तुमको संविधान बचाएगा। आज हम संविधान के बदौलत खड़े, संविधान की ताकत से यहां पे खड़े हैं। आज मैं शुक्रगुजार हूं देश के संविधान का, बाबा साहब का, और साथ साथ बहुत विनम्र निवेदन के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का, बहुत विनम्र सम्मान के साथ में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की दी हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला, तानाशाही को कल गलत ठहराया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उन वकीलों का जो पिछले 1.5 साल से, 17-18 महीने से, और बल्कि उससे पहले से भी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जेल में बैठा था, आप लोग आंदोलन कर रहे थे, अरविंद जी जेल में बैठे हैं, आप लोग यहां सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, लेकिन वो वकील इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट धक्के खा रहे हैं, एक कागज से दूसरे कागज में दा रहे हैं, इनकी एक एक साजिशों का, इनकी एक एक चालबाजियों का, इनकी एक एक तिकड़मों का जवाब दे रहे हैं अदालतों में खड़े होकर, इनके एक एक झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। मेरे लिए तो मैंने कल भी कहा था, भगवान स्वरूप है किसी भी जेल में बंद होने वाले एक व्यक्ति के लिए, तो वकील भगवान स्वरूप होता है, और मेरे लिए तो सिंघवी साहब वाकई भगवान स्वरूप हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी, जिन्होंने इस पूरी कानूनी लड़ाई को इस अंजाम तक पहुंचाया, और जल्द ही अरविंद जी को भी बाहर लेके आएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं सिंघवी साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं दयान कृष्णन साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं मोहित माथुर साहब का, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अदालतों के सामने ईडी और सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के सच को बेनकाब किया है। और मैं बहुत प्यार के साथ धन्यवाद करता हूं, उनमें से कुछ लोग मेरे उनसे उम्र में छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, अपनी आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के कुछ वकील साथी हमारे एमएलए यहां खड़े हैं साथ साथ में, उनको सबको कोऑर्डिनेट करने वाले विवेक भाई इधर शायद नहीं होंगे, किसी विवेक जैन इसी किसी अदालत में इस समय जाके आर्ग्यूमेंट कर रहे होंगे, इरशाद भाई इस समय कहीं किसी अदालत में आर्ग्यूमेंट कर रहे होंगे, कुछ पेपर बना रहे होंगे, और उनके कई साथी यहां खड़े मैं देख रहा हूं, अपने सारे साथियों को मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। रजत, साथ साथ में मैं शुक्रगुजार हूं देश भर में आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का, नेताओं का। मैं तो 17 महीने जेल में था, जेल की छोटी सी एक कोठरी थी, इसकी एक चौथाई सी, इस पूरे स्टेज की एक चौथाई कोठरी में कोई नहीं। जब मैं गया था तो मैंने वहां के सिपाही वगैरह कहते थे, सर बड़े ऊपर से ऐसी हिदायतें हैं, वैसी हिदायतें हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं तो जंतर मंतर पे एक अखबार के साइज पे सो गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वहां से निकला हूं जहां अरविंद केजरीवाल जी और मैं और संजय भाई
बनारस रेलवे स्टेशन के, और जहां देश भर में रेलवे स्टेशन में रात को 2 बजे ट्रेन आती थी, तो इतने भी पैसे नहीं थे कि रात को किसी लॉज में रुक जाएं, तो जाके 9 बजे खाना खा के स्टेशन पे ही सो जाते थे अखबार बिछा के। हम तो वहां से भी निकल के आए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हम तो वहां सो रहे थे, लेकिन डंडे कौन खा रहा था? जब मैं कोर्ट आता था तो मैं देखता था बैरिकेड लगे हुए और उसके दूसरी तरफ से नारे लग रहे हैं, अखबारों में देखता था, टीवी में देखता था, आप में से बहुत सारे चेहरे यहां खड़े हैं, मैं देखता था, ये मेरी बहन को लाठी लगी, ये मेरी बहन को एक पुलिस वाले ने धक्का दिया, ये मेरे एक भाई को पकड़ के खींचा, दर्द होता था। और वहीं से ईश्वर से दुआ करता था, इनको सबको सलामत रखना, इनकी मदद करना, इनको ताकत देना, सलाम करता था आपकी ताकत को मैं वहां से, एक एक कार्यकर्ता को सलाम करता हूं मैं। और सिर्फ डंडे खाने के लिए नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो एक्सपर्टीज अभी संजय भाई ने बताई, उनमें एक शामिल है कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को तोड़ने के, दबा के, दमका के, सामदांत दंड भेद करके, जेल में भेजने की धमकी देके, जेल में भेज के उनके हमले करवा के, उनको धमकी करवा के, एकमात्र एक्सपर्टीज किसी पार्टी ने पाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन उसके बावजूद आप टिके रहे, एक एक आदमी टिका रहा, एक एक आदमी झुका नहीं, टूटा नहीं, एक एमएलए किसे सारे खड़े हैं, मैं जानता हूं किस किस के ऊपर क्या क्या दबाव नहीं था और क्या क्या नहीं होगा और क्या क्या धमकियां नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद बेबाकी से खड़े रहे, सीना तान के खड़े रहे, उस सीने तने हुए सीने को मैं सलाम करता हूं आप लोगों को, आप डटे रहे। और आज देखिए मजे की बात, अब तो दुश्मन भी इस बात को मानने लगा है कि यार इन आम आदमी पार्टी वालों में कुछ तो मिट्टी है, जो 17-17 महीने 6-6 महीने जेल में रह जाते हैं इनके नेता, उसके बावजूद ना झुकते हैं ना टूटते हैं, किसी मिट्टी के तो बने हैं, ये उस मिट्टी के बने हैं, मैं बताता हूं ये उस मिट्टी के बने हैं भारतीय जनता पार्टी वालों, जिस मिट्टी पर भगत सिंह का पसीना की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस मिट्टी पे गांधी ने गोली खाई थी, जिस मिट्टी पे भगत सिंह के पसीने की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस मिट्टी पे खड़े होके बाबा साहब ने तुम्हारी जैसी लोगों की ताकतों के, उस वक्त की ताकतों के जुल्म झेले थे, उस मिट्टी से ये बने हुए हैं, इनको तुम्हारी तोता मैना क्या तोड़ पाएंगे, ये तुम्हारे सीबीआई और ईडी क्या तोड़ पाएंगे, इनको नहीं टूटे लोग। और मैं जेल में बैठा बैठा दुआएं करता रहा और सलाम करता रहा अपने एक एक साथी को कि यह है अरविंद केजरीवाल की मुट्ठी, यह है अरविंद केजरीवाल की फैमिली, यह है अरविंद केजरीवाल का कुनबा, जिसकी एक उंगली को भी हिम्मत से हिला नहीं पा रहे हो तुम लोग। वाह, फक्र था मुझे सब पे। आपने कहा ना कि आप आंसू बहाते थे बाहर, मैं कहता हूं मैं फक्र से सीना चौड़ा करके उस जेल की कोठरी में बैठा होता था अपने एक एक भाई पे के ऊपर, एक एक बहन के ऊपर, ये मेरी ताकत थी। जेल के अंधेरे, मैं कहूंगा कि जेल के अंधेरे में ये ताकत तो होती है कि वो तोड़ तो सकती है, लेकिन जिसके बाहर इतना प्यार, इतनी ताकत, इतना सम्मान। मैं कल से उतरा हूं, मुझे किसी ने बोला मनीष जी 17 महीने बाद आ रहे हो, 2 दिन के लिए रेस्ट पे चले जाना। मैंने कहा यार जेल के बाहर कदम रखने के बाद पहला हाथ जिस कार्यकर्ता ने पकड़ा था और रात को घर तक जो दूर खड़ा था केवल देख के गया है, वो उम्मीद लगा रहा है कि मेरा मनीष सिसोदिया मेरा भाई बाहर आ गया है। और मैं कहूं नहीं, मैं तो छुट्टी जा रहा हूं यार, नहीं, खून पसीना बहाने के लिए बाहर आया हूं, छुट्टियां मनाने के लिए नहीं। एक एक दिन जो संजय भाई ने नारा दिया है कि इनकी जमानत जब्त कराएंगे, आज से और अभी से लग रहे हैं। और बीजेपी वालों ढूंढते रह जाओगे कहां गई वोटें, कहां गई वोटें, आज से लगना है सबको। जो सुन रहे हैं सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, एक एक कार्यकर्ता साथी को कहना चाहता हूं, दिल्ली के एक एक नागरिक को, हरियाणा के एक एक नागरिक को, देश के एक एक नागरिक को कहना चाहता हूं कि इस तानाशाही के खिलाफ तो एक एक आदमी को वोट करना पड़ेगा, सवाल हमारा नहीं है। तानाशाही के खिलाफ ये जो लड़ाई है सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं है, सिर्फ विपक्ष के पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं है, ये देश के एक एक आम आदमी की है। मैं जेल में था अभी, तो कई सारी खबरें अखबार पढ़ता था, टीवी देखता था, न्यूज में
कई सारी खबरें विचलित करती थी। यह विचलित नहीं करता था कि जमानत हुई कि नहीं हुई, इससे कभी मेरे को विचलन नहीं हुआ। मेरे को विचलन किस चीज से होता था, मैं देखता था कि देश के कितने कितने बड़े बड़े व्यापारियों को इन्होंने, 500 600 बड़े बड़े व्यापारियों को इन्होंने झूठे केसेस सच्चे केसेस इधर उधर के केसेस में बना के बंद कर दिया गया है। उनका किसी पार्टी वार्टी से भी कोई लेना देना शायद ही होगा, लेकिन आप सोचो कि एक व्यापारी अगर कोई मेहनत से काम कर रहा है और उसके ऊपर क्योंकि उसने चंदा नहीं दिया या उसने आपकी किसी पार्टी के नेता से कोई पंगा ले लिया, आपने उसको उठा के जेल में डाल दिया ईडी के केस लगा के, जो केस आतंकवादियों पर ड्रग माफियाओं पर लगाए जाते हैं वैसे वैसे खतरनाक केस लगा के, एक व्यापारी अगर जेल में डाल दिया जाता है उसके पीछे हजारों परिवारों को रोजगार मिल रहा होता है, वो भूखे मरने लगते हैं, उनकी बद्दुआ लगेगी, इनको तानाशाही नहीं है तो क्या है? बात सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेताओं की नहीं है, बात आम आदमी पार्टी के नेताओं की नहीं है। बड़े बड़े व्यापारियों को उठा उठा के जेल में डाले दे रहे हैं, और एक किसी कंपनी का चेयरमैन जेल में चला जाता है, किसी का मालिक जेल में चला जाता है, हजारों हजार लड़के लड़कियां जो वहां नौकरी कर रहे होते हैं उनके घर में टेंशन हो जाती है, क्या करेंगे, कल को कहां से खाएंगे? आपको समझ में नहीं आता ये नौकरियां खा रहे हो आप लोग अपने चंदे के धंधे पर? ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? कोई गलत करे तो सजा दो, लेकिन चंदे के धंधे में ईडी का नोटिस भिजवाओ, अपनी एजेंसियों के कानूनी कागज भिजवाओ और उसके बाद उसको अंदर कर दो, ये धंधा तो तानाशाही ही कहा जाएगा भाई। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये तो तानाशाही है। मुझे बताओ कि 10 साल, अभी थोड़े दिन पहले बहन आतिशी लड़ रही थी उसके लिए, 10,000 शिक्षकों को इन्होंने दिल्ली सरकार के स्कूलों के एक रात में, रात को 2 बजे ऑर्डर पास कराया, ट्रांसफर कर दिया एक रात में। अब किसी का बच्चा आज पढ़ता है स्कूल में 11वीं क्लास में, वो तैयारी करा रहे हैं गुरुजी टीचर पूरी मेहनत से कि यार इसमें तो आईआईटी में जाने का पोटेंशियल है, कल को टीचर का ऑर्डर मिल रहा है, नहीं नहीं हमने तो 10,000 टीचर्स को इधर से उधर कर दिया है क्योंकि हमें तो ट्रांसफर पोस्टिंग का शौक था, अब तुम बाहर में जाओ। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? बात 10,000 टीचर्स की नहीं है, उन लाखों बच्चों की है जिनको वो टीचर्स पढ़ा रहे थे। तुम अपनी अफसरी में, तुम अपनी तानाशाही में 10,000 टीचर्स को एक रात में इधर से उधर उठा के फेंक देते हो, ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? यही तानाशाही है जिसके खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए। आज दिल्ली मैं जब सरकार में था उस वक्त दिल्ली जल बोर्ड का नगर निगम चुनाव से पहले पैसा रोक दिया गया था, और आज तक दिल्ली जल बोर्ड का पैसा नहीं दिया गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अफसरों से इधर उधर से फाइलों पे कुछ कुछ काला पीला करवा के रुकवा रखा है पैसा। इंजीनियर्स परेशान है इलाके के, नाले साफ नहीं हो रहे, सीवर साफ नहीं हो रहे, और वो कह रहे हम तो पैसा नहीं देंगे। 1.5 साल से जल बोर्ड का पैसा नहीं दिया गया जबकि पैसा बजट में पास किया विधानसभा ने। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या बताइए? तानाशाही सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने की नहीं है, तानाशाही आपके घर के सामने जो सीवर बह रहा है उसमें जो अभी ओवरफ्लो हो रहा है वो भी इसी तानाशाही की वजह से हो रहा है। जो नाली नहीं खुल पा रही है उसको 1.5 साल से पैसा नहीं मिला ठेकेदार को, वो इंजीनियर रो रहा है बेचारा कि मैं कहां से पेमेंट करूं ठेकेदार को, यह भी इसी तानाशाही की वजह से हो रहा है। आपकी गलियों की नालियां सड़ी हुई हैं इस तानाशाही की वजह से। मैं ही जेल में नहीं हूं, केजरीवाल जी जेल में नहीं है, आप भी नरक में रहने को मजबूर हैं इसी तानाशाही की वजह से, क्योंकि आपके घर के सामने का सीवर फ्लो हो रहा है, 1.5 साल से पेमेंट नहीं हुआ जल बोर्ड का। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? आज पूरे देश में मैंने कहा विचलित करती थी मुझको इस खबरें, हर रोज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी डांट लगा रहा है, उसके बावजूद जनता अपनी सरकार चुनती है, कहीं के राज्यपाल को कहीं के उपराज्यपाल को कहके जनता की चुनी हुई सरकार के कानून कैंसिल करवा देते हैं, कई कई महीने तक कानून, कई कई साल तक कानून पड़े रहते हैं, उनकी पॉलिसी नहीं पास होने देते। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? नुकसान किसको हो रहा है? नेताओं को तो खाली जेल ही हो रही होगी, असली नुकसान तो जनता का हो रहा है जिसके लिए पॉलिसी बनाई गई थी, जिसके लिए कोई कानून बनाया गया था। ये तानाशाही है, इस तानाशाही के लिए लड़ना पड़ेगा दोस्तों। और आखिरी बात जो मैं अभी क्योंकि विचलित कर रही है कई सारी चीजें, मैं अभी 2-3 दिन पहले टीवी देख रहा था, और उससे पहले भी देख रहा था टीवी में, 1 साल से टीवी देखा है न्यूज पे, और क्या सहारा था, आपकी खबरें आपकी शक्लें देखने को मिल जाती थी। मैंने देखा कि देश के गांव से एक बहुत प्यारी सी हमारी बेटी निकल के खेलों में देश का परचम लहराती है सारी दुनिया में, और जब वो खड़े होकर कहती है
कि आपकी पार्टी के एक अफसर ने, आपके लगाए हुए एक फलाने नेता ने हमें छेड़ा है, तो आप उसको गिरफ्तार तक नहीं करते और हमारी उस बेटी के ऊपर तरह तरह के सोशल मीडिया ट्रोलिंग और ये सब कराते हो? ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है, मुझे बताइए। और तुम्हारे उस ये बेशर्मी तानाशाही है कि उसको गिरफ्तार तक नहीं किया जाता। इस देश की बेटियां जंतर मंतर पर बैठी रही खिलाड़ियां, हम और आप सब अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाने का सपना देखते हैं, बेटियों को कहते हैं जा बेटी उछाल लगा, लगा छलांग और छाले फलक पे, और उसको कोई बैठ के वहां पे इनका चमचा बैठ के उसको छेड़े तो हमें सहन होगा, लेकिन ये तानाशाही है कि उसको गिरफ्तार तक नहीं करते हो तुम, यही तानाशाही है दोस्तों। और उस तानाशाही का चरम स्वरूप हमने देखा कि अब उस बेटी के साथ क्या किया गया। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा उस बारे में, लेकिन सबको पता है किसने किया और क्या किया। आज अगर उसके आंसू बहे हैं तो कुछ तो खेल किया गया है, कुछ तो खेल किया गया है। दोस्तों 17 महीने में जब मैं अंदर था तो अंदर रह के मैंने खूब चिंतन मनन किया। टाइम ही टाइम था, यहां तो आप लोग टाइम देते नहीं हो, वापस आ गया हूं फिर टाइम नहीं दोगे। खूब चिंतन मनन किया, अपने ऊपर भी किया, समाज के ऊपर, देश के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, सरकारों के ऊपर खूब अध्ययन किया। मेरे ख्याल से कम हर 3-4 दिन में एक किताब खत्म कर देता था मैं, और कई लोगों ने भेजी बाई पोस्ट किताबें भेजी, आप में से कई लोगों ने भाई साहब ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, तो वहां भी नहीं छोड़ते थे, बोले काम पे लगाए रखेंगे। करीब करीब मैं समझता हूं 300 की किताबें मैंने पढ़ी वहां पे, हर 2-3 दिन में एक किताब खत्म हो जाती थी। पर सबसे पहले आपको ध्यान होगा मैं गीता लेके गया था, और गीता लेके गया था तो मेरे दिमाग में ना प्रश्न थे कि यार भगवान मैं तो स्कूल ही तो बनवा रहा था, मेरे को जेल क्यों भेज दिया, मेरी बीवी की मेरे बच्चे की क्या गलती थी कि मैं दिल्ली के बच्चों के लिए दिन रात सुबह से शाम एक करके स्कूल बनवा रहा था, उनके लिए अच्छे IIT में चले जाएं, अच्छी नौकरियां लग जाएं। मैंने भगवान से पूछा अंदर आंख बंद करके कि मेरी क्या गलती थी, मैं जेल में क्यों? तो भगवान ने कहा गीता पढ़ पता चल जाएगा, अंदर से आवाज आई, और मैंने गीता पढ़ी और मुझे जवाब मिल गया। मेरे मन में जो भी सवाल आया, मैं ऐसे नहीं है कि यहां कोई उसकी बात कर रहा हूं, जब आदमी अंदर जेल में होता है, अकेला बैठता है, तालों में वो शिक्षकों के पीछे बैठता है, तो तरह तरह के सवाल उठते हैं, अंदर बहुत झांकता है, बहुत सवाल उठते थे मन में। और बस भगवान की ऐसी कृपा है कि मेरे मन में जो सवाल उठा और अंदर से आवाज आती थी इस सवाल का जवाब तुझे कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, गीता में मिलेगा, पढ़ ले। खूब गीता पढ़ी, और बाद में तो मैंने कम से कम 10 महान लोगों की व्याख्या कम से कम 10 पढ़ ली होंगी, अलग अलग लोगों की, विनोबा भावे जी की, गांधी जी की, श्री श्री जी की, आचार्य प्रशांत जी की, बहुत लोगों की व्याख्या की हुई गीता मैंने पढ़ डाली, देवदत्त पटनायक की, सब में से पढ़ पढ़ के मुझे बड़े सारे आंसर मिलते चले गए, मुझे अपने सवालों के आंसर मिलते चले गए। खूब गीता पढ़ी मैंने, उसके अलावा मैंने दुनिया भर की एजुकेशन की बुक्स पढ़ी, अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में, इंडिया में भी, कहां एजुकेशन पे क्या काम हुआ, खूब पढ़ा मैं, कम से कम 100-125 बुक्स तो मैंने एजुकेशन के बारे में पढ़ी, दुनिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और मैंने एक चीज जानी दोस्तों, और मेरा इरादा और फर्म होता गया, आप और हम तो पहले से ही उस पर यकीन करते हैं, हम मेरा यकीन वहां पक्का होता गया कि भारत को 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो एक एक बच्चे के लिए शानदार सरकारी स्कूल उपलब्ध कराए बिना कोई रास्ता नहीं है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। 17 महीने में, उससे पहले के अपने काम, आप सबके काम, और इस अध्ययन चिंतन मनन के बाद लेके लौटाऊं और कुछ दुनिया के बारे में सोच समझ के लौटाऊं कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो देश के एक एक बच्चे के लिए शानदार सरकारी स्कूल, और जहां प्राइवेट है उनकी प्राइवेट स्कूलों की फीस कंट्रोल में रखो, इसके अलावा विकसित राष्ट्र बनाने का कोई राजमार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और अगर कोई आदमी कहता है, अगर कोई आदमी कहता है कि मैं शिक्षा की बात किए बिना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर लेता हूं, तो जुमलेबाजी होगा, वो केवल जुमले फेंक रहा होगा, विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। अगर कोई आदमी कहता है कि इस देश के हर आदमी के लिए अच्छे अस्पताल
अच्छे मोहल्ला क्लिनिक उपलब्ध कराए बिना, अच्छे सरकारी अस्पताल बनाए बिना हम विकसित राष्ट्र खड़ा कर लेंगे तो महाजुमलेबाज होगा, नेता तो नहीं हो सकता, वो कोई विजनरी लीडर तो नहीं हो सकता। अपनी तानाशाही जुमलेबाजी की आड़ में तानाशाही का चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन नहीं बन सकता। बिना शिक्षा के, बिना स्वास्थ्य के विकसित राष्ट्र बन ही नहीं सकता। दुनिया का कोई राष्ट्र विकसित नहीं बना बिना शिक्षा, बिना स्वास्थ्य और बिना रोजगार पर काम किए हुए। विकसित राष्ट्र की बात हो रही। अब इनको दर्द क्या है? आम आदमी पार्टी ये कर दे रही है। हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि यार ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो अपने आप 2047 का भारत विकसित हो जाएगा। आज ये जो माँ बाप हैं, जो कल आने वाले समय के माँ बाप हैं, ये अगर इनको सबको अच्छे अस्पताल मिल गए, आने वाले बच्चों के लिए अच्छे अस्पताल मिल गए तो अपने आप भारत विकसित हो जाएगा। ये आम आदमी पार्टी कर दे रही है। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, इस भरोसे पे गुजरात में, गोवा में, सब जगह वोटें पड़ने लगी, तब इनको दिक्कत हो रही है। इसीलिए सबको जेल में डालने पे आ गए। फिर से सलाम करता हूं कि इनकी तमाम ताकत के बावजूद, इनकी तमाम साजिशों के बावजूद, बुरे वक्त में चट्टान की तरह से इकट्ठे होके खड़े रहे आप सब लोग, इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। ये पार्टी की यह लीडरशिप, बीच बीच में लीडरशिप यहां खड़ी है, बैठी है, कई सारे एमएलए साथी, कई सारे सीनियर लीडर्स यहां सब खड़े हैं, ये सब एक मुट्ठी की तरह से जिस तरह से खड़े रहे वो मिसाल है। आने वाले समय में जब आम आदमी पार्टी का आगे जाके राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा देश का, तब लोग कहेंगे कि सबसे बुरे दौर में पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप अपना खून पसीना एक करके सड़कों पे लड़ रही थी, एकजुट होके लड़ रही थी। ये केजरीवाल जी का कुनबा एकजुट होके लड़ रहा था, केजरीवाल जी का कुनबा बिखरा नहीं, केजरीवाल जी के साथ खड़ा रहा, इसी से इनको डर लगता है। और फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजने के बाद वो दिल्ली की शिक्षा क्रांति को रोक लगा देंगे तो वो गलती कर रहे हैं, वो भूल कर रहे हैं इस बात की। दिल्ली के हर गरीब आदमी को, और ये इलेक्शन का ऐलान कर रहा हूं, दिल्ली के हर गरीब आदमी को बेहतरीन शिक्षा देके उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का सपना पूरा करने के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। तुम जेल की क्या बात करते हो यार, हम जेल से डराते हैं, हम जान देने के लिए तैयार हैं। बच्चों की एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए और स्वास्थ्य के लिए तो हमारी कई जिंदगियां भी कुर्बान हो जाएं तो कम है यार। आप हमें जेल से डराते हो? नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे आपकी जेलों से। केंद्र कितने भी षड्यंत्र कर ले, 2 करोड़ जनता दिल्ली की, उसके जीवन में खुशहाली लाने के लिए फिर से हम उतरेंगे, एक एक घर पे जाएंगे, एक एक घर को बताएंगे कि केजरीवाल जी इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने कोई जुल्म किया है, वो इसलिए जेल में है कि आपके बच्चों को एजुकेशन देने का सच्चा काम उन्होंने करके दिखा दिया है, वो इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है कि आपके मोहल्ले में जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है वो मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल जी ने बना दिया और आप आराम से वहां जाके अपना छोटे मोटे चीजों का इलाज करा लेते हो, बड़े बड़े सरकारी अस्पताल शानदार होते चले गए, इसलिए केजरीवाल जी जेल में है। और ये फिर से कहूंगा कि जैसे संजय जी को निकाला, जैसे मुझे निकाला और साथियों को निकाला, हर साथी को और केजरीवाल जी को भी संविधान की ताकत निकाल के लाएगी। भारतीय जनता पार्टी और इनके तोता मैना कितने ही ताकतवर हों, लेकिन देश के संविधान से ताकतवर नहीं है ये लोग, देश के संविधान से ताकतवर नहीं है। इनकी सारी यातनाएं, सारी पीड़ाएं सहके भी हम तैयार हैं, क्योंकि हमको यकीन है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हमारा संविधान है, संविधान जीतेगा। बस आखिर में यही कहूंगा कि हम भगत सिंह के चेले, कहके गया था ये बात, कहके गए थे ना, भगत सिंह के चेले डरने वाले नहीं है तुम्हारी जेलों से भी और तुम्हारे तोता मैना से भी। 17 महीने में जैसा गया था, बिल्कुल 17 महीने पहले जैसा गया था वैसा ही दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा? एनर्जी कुछ कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है ना। बस इनको लग रहा था जेल भेज के एनर्जी तोड़ देंगे, अब ये कहेंगे यार इनको जेल मत भेजो, ये तो दुगनी एनर्जी लेके आते हैं।
आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।